पेटीएम बंद हो जाएगा 29 फरवरी के बाद, या फिर जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं पेटीएम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी पेटीएम की सर्विसेज है 29 फरवरी के बाद क्या क्या सर्विसेज आपकी जो कि पेटीएम में बंद हो जाएगी, और अगर आपका पेटीएम वॉलेट हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, इसमें बैलेंस है, तो उसको कैसे आप जो है कि यूज़ कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद भी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा पेटीएम में आपको एक वॉलेट मिलता है जिसमें कि आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं, और कहीं भी आप वॉलेट बैलेंस को यूज कर पाते हैं। मर्चेंट हो, क्यूआर कोड हो गया, या फिर किसी भी क्यूआर कोड पे आप जो कि वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर पाते हैं, जिसमें कि आप वहां पर बैलेंस को ऐड करते हैं अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर यूपीआई के थ्रू। और आपका दूसरा हो गया कि आपका जो पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक होता है, अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर रखा होगा अपना, तो आप देखेंगे कि आपका पेटीएम में एक पेमेंट बैंक होता है, जैसे बाकी सब बैंक होते हैं उसी तरीके से पेटीएम में ही आपको एक पेटीएम पेमेंट बैंक मिलता है, जिसको कि आप ओपन करके या फिर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो कि मोबाइल नंबर होता है वो आपका अकाउंट नंबर होता है, और आप वहाँ पर भी आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें कि आप पैसे रिसीव्ट हो गया, पैसे उसमें आप रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और किसी को जो कि सेंड कर सकते हैं। और उसी पेटीएम पेमेंट बैंक का आपको एक वॉलेट भी मिलता है, इसमें कि आप बैलेंस को ऐड करके रख सकते हैं, और या फिर जो कि उसमें यूपीआई के थ्रू बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर वो जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक वॉलेट बैलेंस है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 29 फरवरी के बाद जो है कि आप लोगों ने सुना होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है सिर्फ वो बंद हो रहा है। आपका जो पेटीएम है, जैसे आप बाकी सब चीज़ें, आप रिचार्ज हो गया या फिर जो बाकी की सर्विसेज है उसको आप यूज़ कर पाएंगे, अपना पेटीएम वॉलेट में बैलेंस को ऐड भी कर पाएंगे, आपका जो पेटीएम का जो वॉलेट है उसको आप यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है 29 फरवरी के बाद आपका ये बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी आप जो है कि पैसे को 29 फरवरी के बाद इसमें पैसे नहीं तो आप ऐड कर पाएंगे, और ना ही जो कि यहाँ पर कोई मनी को आप ऐड कर पाएंगे, ना ही किसी को इसके थ्रू ये कि पेमेंट आप कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। बाकी जो आपका पेटीएम का जो भी और सर्विसेज हैं, पेटीएम वॉलेट हो गया, उसको आप इजीली जैसे अभी आप यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से पेटीएम के सारी बाकी की सर्विसेज जो है वो आप कंटिन्यू जैसे आप यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से आप यूज़ करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, सिर्फ यहाँ पर पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो जो कि यहाँ पर बंद हो रही है, और पेटीएम का जो बैंक का वॉलेट हो गया, तो अगर इस तरीके से आप जो कि पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं।